भाइयों और बहनों, देखिए मेरी बोलने का मतलब ये है कि हमारे नवेरा अपा जब अंदर थी तो बस एक ही बात बोलती थी कि मेरी प्योरिटी मेरे इन्वेस्टर्स की है जो मेरा बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, जो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं। आज क्या हो गया है, इन्वेस्टर्स को तो कोई पूछ नहीं रहा है, ना प्रॉफिट का, ना कुछ, ना उनका असल मुद्दा मुद्दा अमाउंट कुछ नहीं है। बस MAP पार्टी के ही चर्चे हो रहे हैं। पूना में खुल गई MAP पार्टी, बेंगलोर में ऑफिस खुल गई, दिल्ली में खुल गई, बस यही सुनने को मिल रहा है। तो इन्वेस्टर्स को क्या मिल रहा है, इन्वेस्टर्स को तो बाबा जी का टुल्लू भी नहीं मिल रहा है। खाली एक ही चीज़ मिल रही है कि डाटा मिलेगा तो पैसे मिलेंगे। अरे भाई, डाटा का भी कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं आप लोग, डाटा का अपडेट तो दो वो भी नहीं दे रहे हैं। कब तक हम लोग ऐसे ही खाली, हम लोग को एक कोर्ट की खाली डेट पे रख दिया, हम लोग को खाली डेट आ रही है जा रही है, और हमारी ज़िंदगी के जो अच्छे पल भी है वो डेट के इंतज़ार में गुजर रहे हैं, बुरे पल भी डेट के इंतज़ार में गुजर रहे हैं। तो हम इन्वेस्टर क्या बस इंतज़ार करेंगे? और हमारी आपा जो प्योरिटी बताती थी इन्वेस्टर्स को लेके, जो रोती थी, जो बताती थी कि मेरे मेरे औलाद, मेरी फैमिली भी मेरे लिए उतना अहमियत नहीं रखती जितना इन्वेस्टर्स अहमियत रखते हैं, तो आज वो कहाँ गया दर्द, वो तकलीफ़ कहाँ गई? इन्वेस्टर्स बिलबिला रहे हैं बच्चों के स्कूल की तालीम, हर चीज़ के लिए। आप पार्टी कौन सी पार्टी खोल रही हैं? आप महिला एम्पावरमेंट पार्टी खोल रही है ना, तो उसमें किसके लिए खोल रही है आप? औरतों के लिए और मासूम बच्चों के लिए, उनकी तालीम के लिए, औरतों के फ्यूचर को सेव करने के लिए कर रही है ना। तो फिर इस पार्टी का मतलब क्या है? इन्वेस्टर्स में आपके तकरीबन लेडीज ही इन्वेस्टर्स हैं, औरतें हैं, कई औरतें अपने पैसे लगा के बैठे हैं, बेवा, हर कोई तकलीफ में है, अपने बच्चों को तक नहीं पढ़ा सक रहे हैं, ना उनका मुस्तकबिल देख सक रहे। तो आप इतने ऑफिसेस खोल के क्या फ़ायदा है? बेंगलोर में खोल रही हैं, हर जगह खोल रही है आप ऑफिसेस, तो वो ऑफिसेस खोल के क्या फ़ायदा है बताइए? इन्वेस्टर्स जो लेडीज़ आपको सपोर्ट करती थी, आपके लिए रोती थी, आपके लिए दुआएँ करती थी, रात के तहज्जुद की नमाज में दुआ करती थी, फजर की नमाज में दुआ करती थी, रोज़े रखती थी, नफील रोज़े रख के दुआ करती थी, आपकी हर हियरिंग में एक ही दुआ होती थी कि आपा बस बाहर आ जाए। मगर आपा, आप बाहर आके क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं इन्वेस्टर्स के लिए? आप ये बताइए, आपके करीब जो जा रहा है, जो आपके साथ चापलूसी कर रहा है, जो आपको आपका दिल रचा रहा है, उन लोग को आप दे रही हैं? और जो परेशान हाल है, आज देखिए बंदा कोई आके राजस्थान से परेशान हाल है, उसको एक गिलास पानी तक नहीं दिया जा रहा है आपके ऑफिस में, तो ये क्या चल रहा है, क्यों ऐसा कर रही हैं आप? हमको आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी आपा, आप के ऊपर हमारा पूरा ट्रस्ट था और अब भी है, आगे भी रहेगा। मगर इस तरह आप करेंगी, इन्वेस्टर्स के साथ रवैया पेश करेंगी, जो साथ में है आपके, आपको हमेशा अभी तक भी आपका भरोसा करके बैठे हैं, उनको ना कोई आप डाटा की अपडेट दे रही हैं, ना बैंक रिफ्रेश की अपडेट दे रही है, ना प्रॉफिट कब स्टार्ट कर रही है, विड्रॉवलों का पैसा कब दे रही है, ये सब कुछ भी नहीं है। खामोशी से आप खामोशी अख्तियार करके अपनी पार्टियों में, अपनी जो भी पार्टी बना रही है वो पार्टी के उसमें मसरूफ है। और हमारे मुती रहमान भाई जो हमको बोलते थे, देखिए आपा बाहर आते ही सिर्फ उनको 6 दिन का टाइम दे दीजिए, 6 दिन की बेल दिला दीजिए, आपा 6 दिन के अंदर सबका हिसाब क्लियर कर देंगे। 6 दिन जाल के 1.5 साल हो गया मुती रहमान भाई, सुन रहे हैं आप, 1.5 साल हो गया। आप क्या क्या वादे करते थे, आप इन्वेस्टर्स को इतना इतना रिझाते थे, इतनी बातें करते थे, आप कहाँ हैं? आप अपने ऑफिसेस खोल के बैठ गए हैं MAP के, अपना हाथ धो लिए हैं आप अच्छे से, मगर हम इन्वेस्टर्स क्या करें? हम लोग अब हाथ उठा के दुआ करने वाले हाथ अब रो के यही कह रहे हैं कि मुती रहमान ने भी हमको धोखा दिया, और जिस जिस ने धोखा दिया अल्लाह तू देख, बस यही दुआ कर रहे हैं। और नवेरा शेखापा, हम आपके साथ अभी भी थे, आगे भी रहेंगे, बस आप हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, हम औरतें हैं, आपसे गुजारिश कर रहे हैं हमारे बच्चों का फ्यूचर सेव करिए आप। जैसे आपने मदरसा खोला है, वैसे ही हमको मदरसे में नहीं, हमारे बच्चों को तालीम नहीं दिला ना सकती तो मत दिलाएं, मगर हमारा जो अमानत है, हमारी अमानत है, तो हमें वापस करें ताकि हम हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तो सेव करें। अब वो हो रहा है ना, ये हो रहा है, खाली हमको दिलासा दिया जा रहा है। अभी 30 अगस्त तक फिर एक बेल मिलेगी हम लोग को, फिर हम लोग क्या, हमारे बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे क्या? हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, ऐसे ही मुफलसी की ज़िंदगी गुजारेंगे? आपके पास हमारा पैसा है, आप कब हमारा पैसा देंगे? आप बताइए, आप हम बहुत परेशान हो गए, हमको ना कई लोग बोल रहे हैं ऐसे फयो चले जाए, इधर चले जाए, मगर हमारा दिल गवारा नहीं कर रहा है, क्योंकि हम आपको दिल से आपकी इज्जत करते हैं, आपके ऊपर भरोसा है। हमारा दिल गवारा नहीं कर रहा है कि हम ऐसे फयो जाए, क्योंकि हमने शुरू से 3-4 साल से भरोसा किया है, अब थोड़ा और भरोसा करके देखें, बस यही उम्मीद जाग रही है। तो हमारी उम्मीदों को मत तोड़े, अल्लाह के लिए मत तोड़े, प्लीज़ मेहरबानी करें। हम इन्वेस्टरों का जो भी है,
जो भी हम लोग का प्रॉफिट है, जो भी है हमारा स्टार्ट करें आप। हम लोग 2018-17 के इन्वेस्टर्स है, 16 के इन्वेस्टर्स है, 15 के भी है, उसमें किसी को प्रॉफिट ही नहीं मिला कुछ भी टेक्सटाइल में, वैसे भी इन्वेस्टर्स है। तो प्लीज़ आप हमारी हमारी बात को सुनिए। अगर मैं आपको से गुजारिश भी करती हूँ तो एंटी वालों को तकलीफ होती है, मगर मेरे को किसी से लेना देना नहीं है। मैंने आपको पैसे दिए हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ इसका जवाब किसी भी जराए से हो या कैसे भी हो दें। और इन्वेस्टर्स को ये आने वाली जो अबू हनीफा भाई बोल रहे हैं गुड न्यूज़ है, तो वो गुड न्यूज़ क्या है भाई? वो तो खाली हमको कानों को ऐसा दिख रहा है कि कानों को बस खुशी दे रहे हैं कि कान सुन के खुश हो जाए और रात में सुकून से सो जाए, मगर दिन होते ही फिर वही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमको किसी को टारगेट, हम किसी को टारगेट बनाना नहीं चाह रहे हैं। बस हमारे को हमारी जो भी अमानतें आपके पास है, आप मेहरबानी करें, गो डैडी हो या कैसे भी हो, जैसे आपने 20% देना स्टार्ट किया है, वैसे ही हम गरीब मुस्तहक जो इन्वेस्टर्स हैं जितने भी हैं उन सब की मदद करें। आप प्लीज़ हमारे पेमेंट्स देना स्टार्ट करें। अल्लाह